दिनों से हम लोग सभी यहाँ बैठे हुए हैं, कई दूर से भाई बहन भी आकर बैठे हुए हैं, सभी से एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार हमें जल्द से जल्द बहाल करे, पर अभी तक कोई सरकार का कोई भी हमारे पास आश्वासन भी नहीं है, ना कुछ हमारे पास ऐसा कुछ मैसेज आया जिससे हमें ऐसा लगे कि हाँ हम संतुष्ट हैं। मैं भजन लाल जी सरकार से एक ही प्रार्थना करती हूँ और निवेदन करती हूँ उनसे हाथ जोड़ के कि हमारे पेट पे लात नहीं मारें और हमें रोज़गार दें, ताकि रोज़गार देंगे तो हम भी उनके लिए और इस सरकार के लिए काफ़ी हम आशा लगा के लेके आए थे इस सरकार को, तो उस सरकार के लिए वो जिस आशा पे हम उनको लेके आए तो वो अपनी उम्मीदों पे उन पर खरे उतरे और हमें नौकरी देकर हमारे बच्चे एवं हमारे घर परिवार को चलाने का रोज़गार था ये हमारे पास, इसको नहीं छीने। इतना कहकर मैं भजन लाल जी सरकार को कहना चाहूँगी कि वो हमारी इस बात को बहुत जल्दी संगन में लेके और हमारे साथ खड़े रहकर हमारे साथ काम करें और हमारा काम करके हमें यहाँ से बहाल करके यहाँ से जाने की आज्ञा दें। बस इतना मैं नहीं भाई टोंक नहीं, आने वाले समय में तो यही है कि हम 38 दिन से यहाँ बैठे हैं, एक बार बाबा के पास गए वापस आए, लेकिन अभी तक सरकार नहीं सुन रही। क्यों? कि सरकार को जो कांग्रेस के बड़े नेता है ना उनको गले लगा रहे, हम क्या राजीव गांधी युवा मित्र सब बेरोजगार बच्चे इसलिए वो गले नहीं लगा रहे। तो इसमें क्या है कि वो इसमें सरकार ने कचरा समझ रखा है, लेकिन जिस दिन ये कचरा सरकार की आंखों में गिर गया ना उस दिन उसको देखना बंद कर लेंगे। हम लोग आज यहाँ 38 दिन से बैठे हुए हैं, हम लोगों ने हर तरीके से गांधीवादी नीति तरीके से हर तरीके से हमने सरकार को मनाने की कोशिश की है कि हमारी सुनवाई की जाए। हमने किरोड़ी बाबा के यहाँ पे भी सुनवाई रखी थी, पर किरोड़ी बाबा ने एक आश्वासन ट्विटर के द्वारा हमें दिया था, बाकी सामने तो भी आश्वासन कोई आया नहीं है, पर ट्विटर पे डाला था उन्होंने, उसका भी अभी कोई निर्णय नहीं आया है, कोई हमें मतलब मिला नहीं है कि हमारा काम हुआ है। और अभी भी हम बाबा के पास भी कह रहे हैं कि बाबा हमारा आज भी काम करवा दे तो अच्छी बात है। और भजन लाल सरकार तो जो कर रही है वो तो सर हम लोगों को हटा के ये कह रही है, न्यूज़पेपर में निकलवा रही है कि राजीव गांधी को निकालना एक उपलब्धि बता रही है वो अपने आप में समाज के अंदर। तो इतने बेरोजगारों इतने लोगों को रोजगार से बेरोजगार देना वो अपने आप को उपलब्धि बता रही है, तो ये सरकार इस तरीके से तो एक शर्मनाक सरकार है जो न्यूज़पेपरों में निकलवा रही है। आज भी हम सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं, नम्र निवेदन कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं कि हमें हमारा रोजगार वापस दे दें, नहीं तो हम हमारी गांधीवादी नीति को छोड़कर हम एक रणनीति बनाकर सरकार के लिए शायद एक जो विधानसभा चुनाव है उनके अंदर शायद हम एक उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है आगे उसमें शायद इनको नुकसान होएगा, इसका 50 जो हम 5,000 लोग हैं वो हम उनको शायद किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा। हम तो यही चाहेंगे कि हमें हमारा रोजगार प्रदान करे, अगर नहीं करेगी सरकार तो हम विपक्ष में उतरने के लिए तैयार हैं, उतरेंगे। नहीं, उग्र आंदोलन वगैरह नहीं होगा, शांतिपूरी धरने से ये हमारी मांग चल रही है। और आप कह रहे हो नहीं होगा, नहीं तो हमारे डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है, होगा, बिल्कुल होगा। हमें सरकार पे पूर्ण भरोसा है कि वो हमारी काम हमारी मांग मानेगी और हमारी मांग जाई जाए, और बिल्कुल सरकार मांग मानकर हमें वापस फील्ड में भेजेंगे। यहाँ पे बहुत परेशानी है, बाहर सो रहे हैं, तबीयत ख़राब हो रही है, और क्या नहाने धोने की परेशानी है। बस सरकार से यही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बहाल कर दे, और क्या, यहाँ बहुत सो की तबीयत भी ख़राब हो रही है। मैं तो वैसे ना 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक बैठती हूँ ना, तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, कभी ज़िंदगी में पहली बार बैठी हूँ। मैं कोटा ज़िला से हूँ, विकलांग हूँ पहले से, अब क्या परिवार वाले सोचते हैं कि बेटी की पहले से तबीयत ख़राब है, 13-14 साल हो गए तबीयत ख़राब हुई है, अब वहाँ कैसे रहेगी, सुबह से लेकर शाम तक बेटी रहती है, उसकी और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाएगी, टेंशन रहती है माँ बाप को, भाई को भी टेंशन रहती है, भाई यहीं पे रहता है लालकोटी, वो देख संभालने आता है कि है क्या तबीयत ख़राब हुई कि नहीं हुई, लेकिन मैं गोलियाँ खा के ना टाइम पास कर रही हूँ, यहाँ पर कैसे है ना बर्दाश्त कर रही हूँ।